हे गाइस, किसी ने रिक्वेस्ट की थी ग्रीन टी की रेसिपी शेयर करने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ पानी। 1 कप पानी लेना है आपको, 1 मग, और उसमें माइक्रोवेव में गर्म करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो, नहीं तो आप पतीले में भी गर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको उसे निकाल लेना है कप में, 1 मग में, और थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है आपको, 1 कप से ज़्यादा, मतलब 1 मग तक पानी लेना है। और बस इसी तरह से आपको गर्म करना है उसे। बस पानी गर्म हो जाने के बाद आपको इसमें टी बैग ऐड करना है। टी बैग ऐड करके आपको 2 से 3 मिनट तक के लिए उसे छोड़ देना है उसमें, पानी में, और उसके बाद उसे पीना है। उससे क्या होता है कि आपके जो टी बैग में से टी है वो उसमें घुल जाती है और अच्छे से वो टी बन जाती है। तो अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो मेरे पास ये टेटली के टी बैग्स है। कोई भी कंपनी के आप ले सकते हो, जो भी कंपनी आपको पसंद है वो। और मेरा भी कोई फिक्स नहीं है कि मैं यही लेती हूँ, मैं भी चेंज करती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना है और यही मुझे पसंद है। अगर आपके पास लूज़ ग्रीन टी है तो आप क्या कर सकते हो, पानी बॉईल करना है आपको और उसमें वो लूज़ ग्रीन टी डाल देनी है, और उसके बाद उसे 2 से 3 मिनट के बाद छान लेना है और उसे पीना है सिप सिप करके। ये ध्यान रखे सिर्फ पानी जो है वो, जो हम लोग पानी पी रहे हैं, मतलब जो ग्रीन टी पी रहे हैं, वो गर्म रहे, सिर्फ गर्म होनी चाहिए वो, तभी वो वर्क करेगी। और हाँ, ग्रीन टी आप 2 से 3 बार ले सकते हो दिन में, मतलब खाने के बाद आपको उसे आधे या 1 घंटे के बाद लेना है, मतलब कुछ भी खाने के बाद, ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के, और मैंने ना आज ब्लैंकेट डाला था धोने के लिए, अभी भी धुल ही रहा है वो वॉशिंग मशीन में, और पीछे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हैं फोल्ड करने के, कुछ फोल्ड किए हुए हैं उसमें से, और कुछ कल की साड़ी वगैरह है तो वो भी फोल्ड करनी है, काफ़ी सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। और टॉवल देखो वहाँ पे, एट यार हमेशा का ही नाटक है ये, तो यहाँ पर टॉवल रख देते हैं। और हाँ, अभी वो धुल रहा है मशीन में, जो ब्लैंकेट मैंने धुलने के लिए डाला था, पहले ना मैंने धो के रखा था वो, मैंने सोचा था कि उसे रख देंगे, बट उसे हम लोग यूज़ ही कर रहे थे, मतलब कोई भी आ रहा था तो उसे यूज़ कर रहा था, तो कोई गेस्ट वगैरह आता था तो उसे यूज़ करता था, इसी वजह से मैंने अभी धोने के लिए डाला है वो। जब वो धुल जाएगा तो सुखाने के लिए डाल देंगे, क्योंकि आज बहुत अच्छे से धूप आ रही है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज धुल जाएगा, सूख भी जाएगा अच्छे से, और रख दूंगी उसे फिर। तो चलिए अभी उसे सुखाने के लिए डाल देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
बज रहे हैं शाम के 7 और अभी तक हम लोग सो ही रहे थे। ये ड्यूटी से आए, उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद तुरंत हम लोग सो गए। तब से हम लोग अभी तक सो रहे थे, शाम हो गई थी मतलब अंधेरा भी हो गया था, उसके बाद हम लोग उठे हैं अभी और सब लोग फ्रेश हो गया है और ये औरत भी कभी भी नहीं रहे हैं दोनों। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सोए हैं, बहुत लेट उठे और नींद तो काफ़ी अच्छे से पूरी हुई बट काफ़ी लेट हो गया यार। मतलब आज तो वर्कआउट भी नहीं हुआ है, बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत देर तक सो रहे थे। तो चलिए अभी चाय बनाती हूँ सबके लिए और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पूछा था कि मैं कितने बजे सोती हूँ रात को और कितने बजे सुबह उठती हूँ, तो डियर मैं मतलब मेरा कोई ये नहीं है, टाइम नहीं है सोने का बिल्कुल, रात को तो बिल्कुल टाइम नहीं है। जब तक वीडियो एडिट नहीं होता है तब तक तो मैं सो नहीं सकती हूँ, उसके बाद अपलोडिंग के लिए डालती हूँ, उसमें भी बीच बीच में मुझे एक करना पड़ता है, तो टाइम तो है ही नहीं मुझे मेरा सोने का। फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता दे रही हूँ, 2:30 या 3 बजे तक मैं सो जाती हूँ रात को, और उसके बाद सुबह उठना पड़ता है 6:30 या 7 बजे, 6:30 ही बजे उठना पड़ता है क्योंकि 7 बजे दिन के लिए मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है। मतलब ब्रेकफास्ट में वो जो टिफिन वो लेके जाते हैं वही बनाना पड़ता है क्योंकि ये ड्यूटी जल्दी जा रहा है इसी वजह से, नहीं तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। बट माही की स्कूल जब थी तभी भी 1:30 बजे उठना पड़ता था मुझे माही का टिफिन बनाने के लिए, और अभी इनका टिफिन बनाने के लिए भी 1:30 बजे उठना पड़ता है, तो सेम ही सिचुएशन है मेरे लिए अभी तो। मतलब लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, बच्चों की स्कूल हो या नहीं हो, मेरे लिए सेम सिचुएशन है अभी। सुबह उठने का टाइम है बट रात को सोने का टाइम नहीं है मेरा। अभी डिनर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊं, बट ये बोल रहे एक करी बना दो क्योंकि एक लाके रखे है इन्होंने, और कुछ समझ में नहीं आता है डिनर में क्या बनाए क्योंकि सुबह तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ ऐसे दाले वाले ये वो, बट रात को क्या बनाए समझ में नहीं आता क्योंकि रात को इनको रस्से वाली सब्जी चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसी सब्जी चाहिए इन्हें। हमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्पाइसी नहीं खाना चाहिए ये वो, बट ये मानते नहीं है, इन्हें वो जो आदत लग गई है पहले से तो वही आदत है। सुबह लंच में तो कैसा भी चल जाता है इन्हें, दाले वाले ये वो कुछ भी बना दो तो चल जाता है, बट रात को इनको अच्छी सब्जी चाहिए मतलब मसाले वाली वगैरह, वही ज्यादातर मुझे रात को बनाना पड़ता है। चलिए अभी एक बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। I know where we can go, and it's
तो कपड़े भी नहीं निकाल के लाए हैं, बाहर से वैसे ही बाहर ही पड़े हैं कपड़े। एक मिनट, आज तो कपड़े भी नहीं निकाल के लाए हैं, अंधेरा हो गया है बाहर। यहाँ का लाइट ऑन करो बेटा, मेरे हाथ गीले हैं। अच्छा एक मिनट, क्या करना है? और देखो आज भी अधिक ने दो तरह के दो सॉक्स पहने, हमेशा ऐसे ही करता है, दो तरह के दो सॉक्स पहनता है, एक ग्रे और एक रेड। हमेशा करिए इसका। हाँ हाँ देती हूँ। सो गाइस डिनर बन गया है और हाँ यहाँ पर अंडा करी बन के रेडी है, बस डिनर कर लेती हूँ और डिनर करके मिलती हूँ आपसे। नहीं हाँ? आपको केक खाना है? और हाँ इन्होंने ना कल जो केक लाया था सेकंड केक, वो ब्लैक फॉरेस्ट लाया था, और जो हमने कट किया
वो लाया था, कौन सा था, बटर स्कॉच, बहुत अच्छा था बटर स्कॉच वाला। और ब्लैक फॉरेस्ट तो हमेशा ही खाते हैं, तो वो रहने दिया था, केक कट नहीं किया था वो। वो आज सुबह आधा खाया और आधा रहने दिया था, तो आधा अभी बच्चों को दे देती हूँ। और हाँ, इन्होंने कैंडल्स भी लाए थे, 13 के, ये 1 और ये 3। तो बीच में ये 3 टूट गया था, तो इन्होंने कैसे तो भी ये जुगाड़ किया था, बट मैंने बोला कि इनको रहने दो, नहीं लगाते हैं। टूट गया था तो मैंने सोचा नहीं ये लगाते नहीं है, तो 4 भी था ना, 4 पे लेके आए थे ये, पता नहीं इनको लगा कि 14 स्टार्ट है, मतलब हस्बैंड लोगों को समझ में नहीं आता कुछ भी। मम्मा घर पे बैठे क्या करना है, हाँ तो वो डिसाइड मैं करूँगी जो करना है वो। और ये यहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट, मम्मा की थोड़ा सी जेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या कर। अरे ये ऐसे कैसे खाया माही, ये देखो खोल कैसे, चम्मच वहाँ पे लगा दिया, खा लिया। कितने ओमलेट्स, बस 2 ही लो, कोई खाने वाला नहीं होगा फिर, आप पता नहीं खाएंगी या नहीं। अद्विक और आप खाओगे सिर्फ, हाँ श्रीकांत मामा की निकी निकालो, श्रीकांत मामा आपको पूछो पहले, श्रीकांत मामा खाएंगे ना। श्रीकांत मामा की निकी निकालो। अमरावती में कोरोना पॉजिटिव बढ़ते ही जा रहा है, आज से 15 या 20 दिन पहले अमरावती में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, आज की डेट में आज पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव जो है वो 22 है अमरावती में। तो यार टेंशन तो बढ़ते ही जा रहा है इसका, पता नहीं अभी क्या होगा। आज से पहले एक निकला था, उसके बाद उसके 2 हो गए, उसके बाद 4 हो गए, ऐसे करके क्वांटिटी बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव की। और इतना टेंशन आ गया कि वैसे भी बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, बट ये बाहर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि या उसने किसको हाथ लगाया होगा, क्या किया होगा, कैसे टच किया होगा किसी चीज़ को, मतलब ऐसा टेंशन आ गया है क्या करें, कब तक ये ऐसे चलेगा और कब तक हमें ऐसे ही घर में रहना पड़ेगा। घर में रहने का कोई टेंशन नहीं है, घर पे रह के हम लोग सेफ है, बट जिनको जिनको बाहर जाना पड़ रहा है, अभी डॉक्टर तो आप सोचो, डॉक्टर इतना मतलब प्रिकॉशन लेके भी और इतना ज़्यादा वो जो सेफ्टी कोट रहता है उनका वो पहन के भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो हमारी तो बात अलग ही है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं सिर्फ मास्क पहन के जा रहे हैं या कोई प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मतलब उधर से आने के बाद सिर्फ सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को, मतलब हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके सामने। बट फिर भी आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिर्फ बाहर मत निकलिए। और यार मेरे घर पे तो कुछ भी करके इनको बाहर निकलना ही पड़ रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, जैसे ही ये आते हैं तो जो भी इनके हाथों में रहता है वो पहले हम लोग बाहर ही सैनिटाइज करते हैं, ये अपने शू के साथ सारी चीज़ें सैनिटाइज बाहर ही करते हैं, हम लोग इनके हाथों को सैनिटाइज बाहर ही करते हैं, सब मतलब बाहर स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं इनके ऊपर, और ये पीछे के गेट से आते हैं और डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं नहा के, फिर ये अंदर आते हैं। तो ऐसा बट फिर भी थोड़ा सा डर तो रहता ही है मन में, क्या करें, वो डर तो जाएगा नहीं जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। वैक्सीन निकली है कर रहे हैं सब लोग, कब वो ह्यूमन बॉडी पे टेस्ट होगी और कब हम तक पहुंचेगी वो तो हमें पता नहीं है, बट तब तक हमें सेफ रहना है, घर पे रहना है और बस इतना ही करना है। चलो फिर बहुत लेट हो गया है, 11:30 बज गए और ये लोग खेल रहे हैं अभी भी क्रिकेट, जैसे कि आप लोगों को पता है ये 12 बजे तक क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं आ गई थी बेडरूम में, उनका आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आता है, किचन में अगर बात करती हूँ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं वो लोग, इसी वजह से मैं आपसे बात करने के लिए बेडरूम में आ गई थी। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और नाम लेने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट नाम है शांभवी मिश्रा और सेकेंड नाम है अरंजिता हेबर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, आप इस ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हो, मैंने इस ब्लॉग में आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।